अभी कुछ देर पहले जो है हमने आपको दिखाया किस तरीके से महिला के जो पति हैं वो सामने आए थे, लेकिन अब महिला के जो देवर जिनके साथ वो जाना चाहती हैं वो भी सामने आए। एक बार महिला से बातचीत कर लेते हैं। नाम क्या आपका? सोनिया। क्या आप किसके साथ जाना चाहते हो? संदीप के साथ। संदीप के साथ। क्या लगता है संदीप आपका? मेरा तो घर वाला लगाई। घर वाला लग नहीं, क्या शादी की हुई है? घर वाला लगता है ना शादी। फिर घर वाला कैसे हो गया? शुरू तो है जब मेरे घर लो शुरू से तो है। क्या लगता क्या वैसे? वैसे तो देवर लगा। देवर लगता है। बच्चे कितने हैं आपके? तीन। तो उन तीन बच्चों का क्या होगा? आप देवर के साथ जाना चाहते हो? वो तो देने के नहीं है, इतना तो मन बेरा जो देवेंगे मैं रख लूंगी। नहीं तो आप अपने पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहते? मैं वहाँ तो रह नहीं सकती, वहाँ तो मेरे रंदी रंदी नहीं। तो ऐसे तो बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी। तो मैं शुरू तक ही कान लग रही, मैं शुरू तक ही कान लग रही, वहाँ तो मैं रंदी रंदी नहीं हूँ। तो आपका क्या नाम है? संदीप। क्या लगते हो इनके? देवर लगू। थोड़ी तेज बोलो। देवर लगू जी। तो ये कह रही है मैं अपने देवर के साथ रहना चाहती हूँ, क्या रखोगे आप इन्हें? नहीं रखूंगा जी, मैंने रखा था जी। तो घर से क्यों लेके गए थे? घर से लेके थे आप? हाँ जी। कब लेके गए थे? ये होगी 6-7 दिन की बात होगी। कहाँ लेके गए थे? दिलवाड़ी। क्या कह के लेके गए थे? मैंने नुकर क्या कह के लेके गए थे? दिलवाड़ी लेके गए थे अपनी मासी का, भाई चल वहाँ चलेंगे। कहाँ लेके गए थे? इसने बस स्टैंड पे फोन किया था जी। पहले बस स्टैंड पे भाई के पास छोड़ के गया था इसको, और ये मोटरसाइकिल पे से कूद गई थी उसके पास से, और दोबारा फिर इसका फोन आया था, मैं चला गया था। मैंने इसने कहा तू चल। आपने अभी ड्रिंक की हुई है? हाँ जी। तो अब आप इनको लेके जाना चाहते हो? मैं नहीं रखता जी। तो पहले थोड़े दिन पहले कहाँ लेके गए थे, क्यों लेके गए थे? मैं तो उसको इसके घर छोड़ने गया था, ये बोली मेरे घर ताड़ा लग रहा, मेरे घर कोई रहता नहीं है जी। अच्छा। और ये इसको मैं परसों भी छोड़ने गया था इसके घर, ये बोल रही थी। तो इसके साथ आपने गलत संबंध बनाए हैं? मैंने कुछ नहीं बनाया जी, मेरी बात सुनो। मैं इसके इसको ना अभी तो आप अंदर कह रहे थे कि हाँ ऐसा। बात सुनो जी, मेरे साथ तो शुरू से ही थी उसको तो वैसे तो, लेकिन फिजिकल तो हुआ, लेकिन इसने ये उसके बाद तो मैं हट गया था घर को कहने के बावजूद, उसके बाद ये भागी भी है, उसके बाद ये भागी भी है किसी लड़के के साथ, भागे भी आए। वो इससे पूछो क्यों भाग। अभी ये तो कह रहे नहीं लेके जाना घर। अब फिर मान तो करो तो मेरा गोली मार दो अंदर कर। नहीं वो तो कह रहे वो रखना ही नहीं चाहता। आपका पति कह रहा है मैं लेके जाना चाहता हूँ उसके साथ। आप वहाँ तो जानती कौन नहीं हूँ मैं। क्यों नहीं जाना घर? क्यों नहीं जाना? कोई कुछ कहता है ना? मैं तो जानती हूँ, मैं जानती नहीं घर, ना मैं कोई कुछ कहता, मैं घर जानती कौन नहीं। मैं तो इसके साथ रहूंगी, इसके साथ रहूंगी। तो लेके जाओगे अब इसको? नहीं मैं नहीं लेता जी। आप देख सकते हैं संदीप के परिवार वाले भी जो है यहाँ पर मौजूद है, सुबह से काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। संदीप की माँ है। आंटी आप क्या बताना चाहोगे? आपके बेटे के साथ इसके संबंध थे और भाई की पत्नी है और ऐसे कर रहा है वो? देखो जी ये भी मेरा लड़का, जब जेठ का लड़का तो, और वो भी मेरा। हम इसका घर उजाड़ का अपना घर नहीं बसा सकते, ठीक? और ना इसके घर लोग। वो तो कह रही है मैं संदीप के साथ जाऊंगी, मैं जाती नहीं सोनू के साथ। ये कह रही है नहीं तो हम तो इसने रखना नहीं चाहते। अच्छा। हाँ अपने घर जाओ चाहे कहीं जाओ, मैं नहीं रखना चाहती। ना मेरा बेटा कदे इसके द्वारा फोन करता, 2-4 साल हो गए किस ना फोन करा था ना इसके द्वारा जावा था, और नु झूठे कहने था तो चाहे कुछ इल्जाम लगा दी। आप क्या कुछ बताना चाहोगे? क्या लगते हो इनके? बुआ हूँ जी मैं तो। बुआ लगते हाँ। क्या बताना चाहोगे इस लड़की के? बताना चाहूँ जी या तो कहीं लड़कों के लिए चली गई। अच्छा। तो हम कैसे रख ला संदीप? ना मरवा देगी या कहीं हम मान ले संदीप के भेज भी देंगे उसके साथ, या ना मरवा देगी या किसी के साथ भाग जाएगी, फिर क्या करेंगे जी हम? एक लड़का हो चार बहनों में, तो आप ये बताओ हम क्या करें? तो अब क्या कार्रवाई चाहते हो? हम तो चाहते हैं इन इनके घर भेज दो, नहीं इसके लिए जाती ये अपना जहाँ जाएगा चले जाएगा, बस हम तो ये चाहते हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले से जितना ज्यादा उसके शेयर जरूर करें। आप देख सकते हैं संदीप सोनू दोनों के घर वाले जो है फिलहाल यहाँ पर थाने में मौजूद थे, और आप देख सकते हैं किस तरीके से सब लोग यही कह रहे हैं कि वो अलग अलग लोगों के साथ काफी बार जो है यहाँ से जा चुकी है, पहले भी और लड़कों के साथ भी जा चुकी है। संदीप को से एक बार दोबारा बातचीत करना चाहेंगे। एक बार इस साइड आ जाओ आप दोनों। अब आप देख सकते हैं दोनों भाई और वो महिला जो कि ये कह रही है कि मुझे अपने ऊपर आ जाओ सोनू, अपने देवर के साथ जाना है, पति के साथ, ये उनका देवर है और ये जो है उनका पति है। पति कह रहा है कि मैं ले जाने को तैयार हूँ, लेकिन जो महिला है वो पति के साथ नहीं बल्कि देवर के साथ जाना चाहती है, और देवर कह रहा है कि मैं नहीं ले जाना चाहता हूँ। एक बार दोबारा बातचीत कर लेते हैं। आप फिजिकल हुए हो इनके साथ? फिजिकल तो रही, लेकिन मैं इसको ले जाना नहीं चाहता क्योंकि ये कई बार भाग चुकी है, और जो अभी भी एक जो फोन लोगों रखा था ना जी इसने, उस पर भी कई बंदों के फोन आए, मैंने इससे फोन खोजता था उस पर भी फोन आए हैं।
और खुद इसी ने बात किया। रिश्तेदारी मतलब रिश्तेदारी किसी पे फोन कर सका रिश्तेदारी? मेरे गांव के लड़के है जी, मेरे गांव के लड़के आए, एक आजू है एक अजय है, दोनों के फोन आए हुए हैं और मेरे आगे ही बात हुई है। किस किस की बात तो बनाएंगे जी, ठीक है? अगर ये अगर वैसे अगर ये झूठ सोच दियो ना, वैसे तो वो फोन की रिकॉर्ड तो ली कर सकते हैं, नंबर भी होंगे उनके, सारा कुछ होगा। तो अब ये तो लेके जाता नहीं आपको देवर, पति लेके जाने को तैयार हो? उसके साथ जाओगे? साथ नहीं जाती, मेरा गोली मार दो ना, अंदर कर दो। मैं तो ये आओ मेरे पास, तो अंदर करवा मन ना, इस ना अंदर कर दो, मेरा गोली मार दो, गोली वाली भी आ रही है। तो अगर प्यार करते हो तो अंदर क्यों करवाना है फिर? मैं कहाँ जाऊंगी फिर? ये तो अपने छोड़कर बैठ जाए, मैं कहाँ फिरूंगी बताइए? तो उसके अंदर जाने के बाद क्या करोगे? उसके अंदर जाने के बाद मेरा गोली मार दो। नहीं, उसके अंदर जाने के बाद क्या? मेरा गोली मार दियो। उसके अंदर जाने के बाद क्या करोगे? उसके अंदर किसके? इसने अपने बच्चा ना देखा। तो ये अब लाइव तस्वीरें देख रहे थे करनाल के सदर थाना से, जहां आप देख सकते हैं कि देवर पति दोनों जो है यहां पर मौजूद थे महिला के साथ। महिला का कहना है कि मैं अपनी देवर के साथ ही जाऊंगी, मेरा गोली मार दो। महिला का कहना है कि मैं अपने देवर के साथ ही जाऊंगी। वहीं देवर का कहना है कि मैं महिला को नहीं लेकर जाऊंगा। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कर दे। लाइव तस्वीरें देख रहे थे सदर थाना से, सहयोगी हिमांशी के साथ, मैं नीरा माटा, टिपटॉप हरियाणा, करनाल। और किसी के लगती नहीं।